जय माता दी। दोस्तों, अगर आप भी माता के दर्शन के लिए कटरा आ रहे हैं और किसी अच्छे होटल में रुकने का सोच रहे हैं, वो भी कम बजट में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। होटल दामिनी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां पर हम भी रुके थे माता के दर्शन करने के लिए कटरा में। तो चलिए होटल के ओनर से करते हैं कुछ खास बातचीत। तो गाइज, हम जो होटल में रुके हैं यहाँ कटरा में, इसका नाम है होटल दामिनी, और हमारे साथ में है हमारे भैया, और ये होटल के ओनर है, और भैया का नाम है विनोद कुमार, और भैया ने जो है कि हमें यहाँ पे रूम प्रोवाइड कराया, और हम भी जो है फर्स्ट टाइम ही भैया से मिले, लेकिन यहाँ पे हमें होटल की फैसिलिटी काफ़ी बढ़िया लगी। भैया का होटल जो है काफ़ी हाइजीनिक है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, और भैया ने काफ़ी चीज़ें हमें रिकमेंड करी लंच में, डिनर में, जो भी हमने चीज़ें आपने रिकमेंड करी वो खा के हमें काफ़ी अच्छा लगा, और प्राइस भी काफ़ी ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सबसे बड़ी बात यह है कि भैया का मतलब एक जेन्युइन बिहेवियर है कस्टमर, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे जैसे काफ़ी जगह आने पे आप लोग मतलब सोचते हो, कन्फ्यूज़ होते हो गए नई जगह जाने में, और आपको मतलब काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके मन में कि हम कौन सा होटल करें, कहाँ रहें, किस जगह पे हमें लेनी चाहिए, लेना है होटल। तो इसके लिए सिर्फ हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आप जब भी यहाँ पे घूमने के लिए आएँ और माता के दर्शन करने आएँ, तो भैया जी के यहाँ होटल में आप रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस भी आपको जेन्युइन मिलते हैं, और काफ़ी सारी मतलब फैसिलिटीज़ मिलती है आपको, सब कुछ भैया इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी भैया से आप सजेशन ले सकते हैं। और भैया, तो भैया जी यहाँ पे मतलब आपके होटल्स में मतलब कौन कौन से रूम्स, मतलब सिंगल बेड, डबल बेड रूम मिल जाता है, थ्री बेड और फोर बेड रूम अवेलेबल है, और चार्जेस मतलब क्या रेंज, क्या 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 है यहाँ पे, मतलब रेट्स ये है कि सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, जिस टाइम पे ज़्यादा रश है और आपको होटल नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्टली भी आपको पड़ सकता है, लेकिन जिस टाइम पे होटल खाली है तो वो उस टाइम पे आप आते हो तो आपको कम से कम रेट में मिल जाएगा। बाकी आप मार्केट में यहाँ घूमोगे, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे, हम स्टार्टिंग में हम काफ़ी ऐसा नहीं है कि हम सीधे भैया के जान पहचान वाले हैं या कुछ है, हम सीधे भैया से मिले और यहाँ पे हमने रूम ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे कम से कम 5-6 जगह यहाँ पे हमने काफ़ी सारे होटल देखे, काफ़ी लोगों से हमने मिले, लेकिन यहाँ पे जो हमने होटल लिया है ये काफ़ी मतलब हम सेटिस्फाई हैं, क्योंकि बहुत हाइजीनिक होटल है। हाँ। बहुत हाइजीनिक होटल है गाइस, मुझे हाँ। तो सबसे हाइजीनिक होटल लगा। हाँ। बाकी आपको पता चल ही जाएगा जब आप और होटलों में भी जाएंगे, फिर दामिनी में आएंगे जो हमने नाम बताया, फिर आप डिफरेंट खुद देख सकते हैं गाइस, ठीक है। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भैया का जो एड्रेस है प्रॉपर वो भी डाल देंगे, और एक बार आप एड्रेस बता दीजिए सिर्फ। होटल दामिनी, हाँ जी, पहाड़गंज, न्यू बस स्टैंड। होटल दामिनी पहाड़गंज, न्यू बस स्टैंड। हाँ, यहाँ पे आप भैया का एड्रेस है, और आप वैसे किसी से भी पूछ लेंगे बस स्टैंड में उतर के तो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो। होटल दामिनी कहाँ पे? होटल दामिनी, बस होटल दामिनी बोल रहे हैं, मतलब बस स्टैंड और पहाड़गंज, ये तीन एड लिख लो। अच्छा भैया, डिस्काउंट भी लगा लेंगे अपने हिसाब से गाइड, है ना, तो आपको ये प्रॉब्लम भी हो जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे मतलब हम लोग बहुत यहाँ से खुश होके जा रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी यहाँ से हमेशा खुश होके जाएंगे। हाँ गाइस, ये मेरी गारंटी है, ये अंकित की गारंटी है गाइस। हाँ, तो गाइज ये है रिसेप्शन, और रिसेप्शन पे मिलते हैं भैया। भैया का नाम क्या हुआ भैया आपका? शंकर सिंह। शंकर सिंह भैया मिल जाते हैं। बाकी ये हमारा एक छोटा भाई भी है यहाँ पे, आपको हेल्प कर देता है ये भी काफ़ी चीज़ों में, है ना। ये है होटल की एंट्रेंस, कुछ ऐसा सा बना रखा है भैया ने यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मम्मी लोग, बुआ, ये लोग बैठे हैं, तो हम रूम देखने चलते हैं सीधे, और हमारा ये छोटा भाई दिखाएगा हमें रूम। तो अभी जो खाली कमरा है वो ये है भैया का, 106 नंबर का, और आप देखो यहाँ पे यार कितना क्लीन है, कितना एकदम बढ़िया है यार कमरा, मतलब आप लोग आओगे तो यहाँ पे दिल खुश हो जाएगा आपका। कटरा में आप रहो आराम से और आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, है ना भाई। बाकी भाई भी बहुत प्यारा है अपना यार, कोई दिक्कत हो जाए तो भाई से एकदम मतलब आप बोल देना, हर चीज़ भाई आपको अवेलेबल करा देगा यहाँ पे। ये देखो आप, ये आपका ये 4 बेडरूम हुआ ना, 4 बेडरूम, मतलब इसमें आराम से 5-6 लोग भी रह सकते हैं, है ना, जैसा हो उस हिसाब से रेट एडजस्ट, 5 लोग अलाउ है मैक्सिमम, है ना। सफाई देखो आप यार कितनी बढ़िया से इन्होंने, वाइट बेडशीट, वाइट पिलो कवर, और ये देखो पेंट वगैरह देखो आप कितना बढ़िया है मतलब यहाँ पे। ये देखो यार प्रॉपर आपको सफाई यहाँ पे मिल जाती है, वाइट बेडशीट बिल्कुल एकदम बढ़िया से, नीट एंड क्लीन रूम है, और ये टॉवल है यहाँ पे, और हैंड वॉश वगैरह करने के लिए सोप भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये यहाँ पे टेलीफोन भी प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, आपको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप सीधे फ़ोन करो, फ़ोन घुमाओ और सीधे। बाकी हमारा छोटा भाई यहाँ पे खड़ा है,
यहाँ है ना, ये आपको बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में। और ये देखो एसी भी यहाँ पे लगा हुआ है, एक टेलीविज़न लगाया है जो कि थोड़ा सा पुराना है, ठीक है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पुराना है नया, ये वैसे भी हमारे ज़्यादा मतलब हम इसको देखेंगे तो नहीं, इतना टाइम होता नहीं है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपकी चेयर्स लगी है, ये साथ में टेबल भी है। सबसे मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है हमारा वॉशरूम, तो वॉशरूम भी दिखाता हूँ कि देखो कितना बढ़िया है, क्योंकि वॉशरूम ये देखो मेन सबसे ज़्यादा यार आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम चाहिए होता है आप कहीं पे भी जाते हो तो, है ना। ये देखो यहाँ पे गीजर भी लगा हुआ है, पानी की भी फैसिलिटी, आपको ठंडा गर्म पानी दोनों मिल जाता है। ये देखो सीलिंग, भैया ने मतलब इसमें खर्चा कर रहा है, कस्टमर से पैसा ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब चीज़ भी मिलती है यहाँ पे, है ना। ये देखो आपका इसका फ्लोर देखो, नीट एंड क्लीन आपको वॉशरूम मिलता है एकदम बढ़िया सा। यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी बाथवेयर की फिटिंग वगैरह काफ़ी सही है, मतलब साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, रेंज वगैरह भी काफ़ी सही है यहाँ पे होटल में। ये वॉश बेसिन देखो आप, सबसे मेन चीज़ की इसमें सफाई होनी चाहिए, और जो सफाई आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई अभी, और काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिए, और कमेंट करके बताना अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो, होटल दामिनी में आते हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और बाकी कैसा लगा, हाँ हमें तो बहुत अच्छा लगा, और आप होप करते हैं कि आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये हमारा देखिए भाई, ये आपको यहाँ पे मिलेगा होटल दामिनी में, ये आपको मिलेगा तो आप इसे पहचान लोगे एकदम की मतलब, है ना। और बाकी आपकी सारी हेल्प करेगा ये भी यहाँ पे, चाय तो, भाई सब कुछ ले आएगा, हाँ, जो तो, भी आप बोलोगे बस, ठीक है आप उसको पैसे दे देना, बाकी सब कुछ लाएगा आपको मिलेगा, आप इसे देख लो अच्छे से पहचान लो, ठीक है। तो आप जब भी यहाँ विजिट करते हो, माता के दर्शन करने आते हो, तो यहाँ पे जरूर विजिट करना आप, ठीक है। और भाई आपको मिलेगा, बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, हाँ तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताइए, शेयर भी करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और बाय, और जय माता जी।